अब देखिए, भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक क्यों है और क्यों इसे, यानी इस दिल्ली समिट को, इस दिल्ली डिक्लेरेशन को ऐतिहासिक माना जा रहा है और G20 के सबसे सफल समिट्स में से एक इसे माना जा रहा है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज तक का सबसे सफल G20 समिट है। और ये क्यों है? भारत के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि हमने बिना किसी देश को नाराज किए एक ऐसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर सहमति बनाई जिसमें सभी देशों से जुड़े हुए मुद्दे मौजूद थे और इनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहा युद्ध। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने पूरे G20 को ही नहीं पूरी दुनिया को दो भागों में बांटकर रख दिया है। पूरी दुनिया एक ब्लैक एंड व्हाइट की तरह दो भागों में बटी हुई है। कुछ लोग रशिया के साथ हैं और कुछ लोग यूक्रेन के साथ हैं। अब भारत के सामने चुनौती ये थी कि उसे इस युद्ध पर व्यक्त किए गए विचारों पर सभी देशों के नेताओं की सहमति बनानी थी, जिसमें एक तरफ रशिया और चीन जैसे देश मौजूद हैं और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के वो देश थे जो नेटो देशों का भी हिस्सा है, जो नेटो का हिस्सा है। और इस सब में भारत के लिए चुनौती ये थी कि रशिया और चीन जैसे देश ये चाहते थे कि इस युद्ध को लेकर ऐसे विचार और भाषाएं अपनाई जाए जो उनके खिलाफ ज्यादा सख्त ना हो। अब देखिए, जब इस पर पूरी चर्चा हो रही थी और यूक्रेन युद्ध को लेकर जो ड्राफ्ट बन रहा था उसमें यूरोपीय पश्चिमी देश और अमेरिका का कहना था कि इसमें जो भाषा है और ज्यादा सख्त होनी चाहिए, रशिया की आलोचना होनी चाहिए, व्लादिमीर पुतिन की आलोचना होनी चाहिए, हम इसे ऐसे कैसे जाने देंगे, इसमें और ज्यादा सख्त भाषा का प्रयोग कीजिए। अब सामने दूसरी तरफ चीन और रशिया भी बैठा है, वो सख्त भाषा को कैसे प्रयोग होने देंगे? वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, ये इस युद्ध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार है, इस युद्ध के लिए तो नेटो देश जिम्मेदार हैं, इसलिए आप हमारे खिलाफ किसी भी सख्त भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। अब आप देखिए, दोनों जो पक्ष हैं वो अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं, बीच में भारत है और भारत को सहमति बनानी है और भारत ने वो सहमति बना भी ली। अमेरिका और नेटो देशों की सोच ये थी कि इस युद्ध को लेकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रशिया की कड़े शब्दों में आलोचना होनी चाहिए और उनके पक्ष को इस समिट में प्रमुखता से स्थान मिलना चाहिए, इसलिए भारत के लिए इन देशों के नेताओं से इस जॉइंट डिक्लेरेशन पर एक राय उन्हें करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन यह मुश्किल काम हमने ना सिर्फ आसानी से कर लिया बल्कि भारत ने इसके जरिए एक ऐसी चीज की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत ने इस युद्ध को लेकर सभी देशों के बीच सहमति बनाते हुए युद्ध को लेकर इसकी भाषा को ही बदल दिया और मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने डिप्लोमेसी जो की है वो एक अलग स्तर की है। तो मैं आपको बताता हूं कि आज क्या लिखा है इस आज के जॉइंट स्टेटमेंट में। तो G20 बाली लीडर्स जो डिक्लेरेशन था और G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, ये दोनों मैं आज अपने साथ लेकर आया। पहले मैं आपको यह बताता हूं कि हमने क्या किया है। हमने लिखा है, जो आज का जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसमें लिखा है, कंसर्निंग द वॉर इन यूक्रेन व्हाइल रिकॉलिंग द डिस्कशन इन बाली वी रिएटरेटेड आवर नेशनल पोजीशंस एंड रेजोल्यूशंस अडॉप्टेड एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द यूएन जनरल असेंबली इन लाइन विद द यूएन चार्टर ऑल स्टेट्स मस्ट refrain from the threat or use of force to seek territorial acquisition against the territorial integrity and sovereignty or political independence of any state. The use or threat of use of nuclear weapons is inadmissible. ये लिखा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए बड़ी बात क्या है, इसमें यूक्रेन का नाम तो लिखा गया है, वॉर इन यूक्रेन कर दिया है, वॉर अगेंस्ट यूक्रेन नहीं है, पहला बदलाव तो यह किया गया है। दूसरी बात, इसमें रशिया का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया है, इसमें व्लादिमीर पुतिन का जिक्र एक बार भी नहीं किया गया है और इस रेजोल्यूशन से रशिया बहुत खुश होगा। व्लादिमीर पुतिन के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती है, उस दोस्ती की लाज बच गई, उस दोस्ती की इज्जत भी बच गई। अब व्लादिमीर पुतिन हम से इनफैक्ट बहुत खुश होंगे कि हमने इतनी खूबसूरत जो रेजोल्यूशन है वो निकाला है जिसमें हमने रशिया की आलोचना नहीं होने दी, व्लादिमीर पुतिन की आलोचना नहीं होने दी। तो ये आज का जो डिक्लेरेशन है वो है जिसमें हमने इसको बहुत ही नर्म कर दिया है, बहुत ही टोन डाउन कर दिया है और इस युद्ध को रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध भी नहीं कहा है, यानी रशिया का तो इसमें नाम ही नहीं है,
इसमें लिखा है वॉर इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो, अब वो कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब इसमें नहीं है। और फिर हमने आगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो यूएन जनरल असेंबली में जो चार्टर है और जो रेजोल्यूशन है उसका जिक्र कर दिया है। अब देखिए रशिया जो है वो खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य होने के नाते जो यूएन चार्टर है, जो यूनाइटेड नेशंस इनके बारे में कहता है, उससे रशिया कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है, वो तो रशिया को मानना ही पड़ेगा। तो भारत ने सीधा सीधा ये कह दिया कि देखिए जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन जनरल असेंबली का जो चार्टर है और जो प्रिंसिपल्स हैं उसको लागू होना चाहिए। अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि रशिया तो खुद ही सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है। और दूसरी बात यह कि हमने इसमें रशिया की लाज बचा ली, लेकिन यूरोपीय देशों को और अमेरिका को सेटिस्फाई करने के लिए हमने यूक्रेन का नाम भी डाल दिया। अब देखिए बड़ी बात क्या है, अब आप G20 में बाली लीडर्स डिक्लेरेशन देखिए, जो 2022 में G20 का समिट हुआ था उसमें क्या लिखा था, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, बहुत सख्त भाषा थी। देखिए अब क्या होता है, ये कहते हैं इसमें लिखा है कि जो ये जो G20 देश हैं, डिप्लोर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। अब समझिए इसको, ये कह रहे हैं डिप्लोर्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स द अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। साफ साफ लिखा है कि रशिया ने यूक्रेन में अग्रेशन किया है, यूक्रेन पर हमला बोला है, यूक्रेन की जो जो सीमा है उसको तोड़ा है। और फिर आगे लिखा है एंड डिमांड्स इट्स कंप्लीट एंड अनकंडीशनल विड्रॉल फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन, कि हम ये मांग करते हैं कि रशिया जो है वो बिना शर्त तुरंत यूक्रेन से अपनी सेना को विड्रॉ करे, ये लिखा है। और मोस्ट मेंबर्स स्ट्रॉन्गली कंडेम्ड द वॉर इन यूक्रेन एंड स्ट्रेस्ड इट इज कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग। तो ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उन्होंने यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसका उसकी कड़ी आलोचना की है। यानी ये जो अगर आप देखेंगे जो 2022 में जो बाली में G20 हुआ था, ये पूरी तरह से रशिया के खिलाफ था, पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ था। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ, ऐसा लगता है इसको देखकर जैसे ये नेटो देशों ने इसको ड्राफ्ट किया हो, लेकिन भारत में जो आज इस बार हुआ है वो इसका बिल्कुल उलट है। इसमें रशिया का जिक्र ही नहीं है। इस बार के जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत इसे वॉर इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन में हो रहा युद्ध, ये लिखने में कामयाब हुआ। और ये हमने तब किया जब वही अमेरिका और वही नेटो देश, वही यूरोप के देश, वही यूक्रेन के जो दोस्त हैं वो सारे लोग इस समिट में मौजूद थे। एक तरफ रशिया और चीन मौजूद था और दूसरी तरफ ये सारे देश मौजूद थे, और फिर भी हमने सहमति बना ली।